हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। गाइस मेरे सामने है न्यूली लॉन्च्ड ऑल्टो K10। ये जो K10 है ये विदाउट एक्सेसरी वाला पार्ट है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये आपको खाली खाली सा फील हो रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे आपको ना यहाँ पे अलॉय व्हील्स दिए हैं, ना यहाँ पे किसी तरह की क्रोम से गार्निशिंग की गई है। तो इसलिए यहाँ पे मारुति ने कुछ ऐसे एक्सेसरी ऑप्शन इंट्रोड्यूस किए हैं जिसकी वजह से ये जो कार है वो आपको थोड़ा सा कंप्लीट टाइप की लगेगी। तो क्विकली एक बार चेकआउट करते हैं ऑल्टो के स्पेशल एडिशन को, जिसमें सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे इम्पैक्टो एडिशन को। ओके, तो गाइस जिन लोगों को ऑल्टो का नॉर्मल वर्जन नहीं पसंद उनके लिए ये बनाया गया मारुति ने इम्पैक्टो वेरिएंट। यहाँ पे आपको फिट की गई है कुछ ऐसी एक्सेसरीज जो कि आपको रेगुलर ऑल्टो के वर्जन में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑल्टो का क्या ना हमेशा से एक एंट्री लेवल कार रही है। तो हमेशा से ज्यादा लोग सोचते हैं कि ऑल्टो को वही लोग लेंगे जिन्हें एक एंट्री लेवल कार चाहिए, बट अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप इम्पैक्टो वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हैं ऑल्टो का। और सबसे पहले जो आप यहाँ पे चीज देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पे आपको सारी तरफ कार में बॉडी क्लैडिंग देखने को मिल रही है, और आपको साथ ही साथ मिलते हैं ऑरेंज कलर के इंसर्ट्स। और ये जो ऑरेंज कलर के आपको इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं ये काफी ज्यादा अमेजिंग लगते हैं, और इसे थोड़ा सा एक स्पोर्टी कैरेक्टर इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं। इसके अलावा एक और चीज भी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको अलॉय व्हील्स का भी यहाँ पे प्रोविजन मारुति ने दे दिया है। जनरली आपको ऑल्टो में कभी भी अलॉय व्हील्स का प्रोविजन नहीं मिलता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको इम्पैक्टो वर्जन में यहाँ पे मारुति ने इंस्टॉल किए हैं इसके 13 इंचेस के अलॉय व्हील्स, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑरेंज कलर के इंसर्ट्स आपको फुल बॉडी में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रंट में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पे छोटी सी स्ट्रिप दी गई है जो कि आपको DRLs की फॉर्म में मिलती है, क्योंकि मारुति ने रेगुलर जो ऑल्टो है उसमें ना फॉग लैंप्स का प्रोविजन दिया है, ना आपको रेगुलर ऑल्टो में DRL का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको DRL भी दे दिए गए हैं, और साइड में आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर के इंसर्ट्स भी दे दिए गए हैं। बाकी हेडलैम्प जो है वो आपको नॉर्मल हैलोजन की फॉर्म में मिलते हैं। और आप हमें नीचे देख कमेंट्स में बताइए कि आपको रेगुलर ऑल्टो के कंपैरिजन में ये वाला डिजाइन कैसा लग रहा है इम्पैक्टो का। हम चलते हैं क्विकली इसकी साइड प्रोफाइल में। तो साइड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे 13 इंचेस के देखने को मिल जाते हैं, उसी के साथ ओवर व्हील्स के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ऑरेंज कलर के इंसर्ट्स। कॉस्ट कटिंग के नाम पे गाइस मारुति ने यहाँ पे ये चीज की है कि इन ओवर व्हील्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टमेंट और फोल्डिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा रेन वाइजर यहाँ पे दे दिए गए एक्सेसरी के रूप में, यहाँ पे फिट किए गए रेन वाइजर्स को, और यहाँ पे और भी आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपको एक्सेसरी के रूप में यहाँ पे फिट की गई है। रियर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर में स्पॉइलर देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन इसमें थोड़ा सा एक स्पोर्टी कैरेक्टर को ऐड करते हैं। बाकी ऑल्टो K10 की ब्रांडिंग की गई है, और नीचे की साइड अगेन आपको ऑरेंज कलर के इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि स्पोर्टी कैरेक्टर को इसमें इंक्रीज कर रहे हैं। इन नटशेल ये वाला जो वर्जन है इम्पैक्टो वाला वर्जन है, ये सिलेरियो के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी इंजन ऑप्शन आपको वही मिलता है सिलेरियो वाला मारुति सुजुकी का K10C इंजन। इसके अलावा गाइस इस इम्पैक्टो वेरिएंट में आपको पडल लैंप्स का भी ऑप्शन मारुति ने प्रोवाइड किया है। वो ड्राइवर सीट में आप देख सकते हैं नीचे की साइड आपको यहाँ पे पडल लैंप्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज कलर के इंसर्ट्स आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी दिए गए हैं, यहाँ पे आपको AC वेंट्स में भी दिए गए हैं, और इसकी साइड में भी आपको यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर के इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं। बाकी अगर मैं पूरे इंटीरियर की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। मारुति चाहता तो इसमें आपको रियर इलेक्ट्रिक पावर विंडोज भी प्रोवाइड करा सकता था, बट मैं खुदली पीछे जाके आपको दिखाता हूँ कि रियर पावर विंडोज यहाँ पे नहीं मिलती। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको रियर पावर विंडोज का प्रोविजन यहाँ पे इस इम्पैक्टो वेरिएंट में नहीं मिला। तो वैसे तो कहने को भी इम्पैक्टो वेरिएंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको अपीलिंग सा लगेगा, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्सेसरी आपको कुछ एक्स्ट्रा दे दी गई है। लेकिन देखा जाए तो पावर विंडोज का जो फीचर है वो थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और आई डोंट थिंक कि मारुति सुजुकी को ये फीचर स्किप करना चाहिए था। आपको क्या लगता है आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी मैंने ऑल्टो के रेगुलर वर्जन की वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप एक बार वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको ऑल्टो का इम्पैक्टो वेरिएंट कैसा लगा, और क्या आप इसे कंसिडर करेंगे या फिर नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।